नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी सुषमा गुप्ता ने नामांकन समर्थकों के साथ किया नामांकन कराने पहुंचे प्रत्याशी सुषमा गुप्ता के बेटे जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता, सदर विधायक अमृतपुर विधायक मोहम्मदाबाद विधायक सांसद मुकेश राजपूत भी उपस्थित रहे। वहीं जब प्रत्याशी से चुनाव को लेकर खास बातचीत हुई तो प्रत्याशी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब मम्मी धीमे धीमे आपको सारी चीजें बताएंगी, अभी थोड़ा सा उन्हें थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र का उनका पहला अनुभव है, सभी चीजें बताएंगी और जो अपेक्षाएं फरुखाबाद की उन पे ही काम करेंगी, ये तय है बिल्कुल। क्योंकि माँ जानती है 3 बजे उठ के सफाई की दिक्कत क्या होती है, वो नहीं वो जानता दोपहर को 3 बजे उठता है। और माँ आज भी सुबह 4 बजे आप जाइए मेरे यहाँ, दरवाज़ा खुला मिलेगा, पानी डालते हुए मिलेंगी, झाड़ू लगाते मिलेंगी, तो झाड़ू लगाते मिलेगा, पानी डालते जाएगा, वो जानता है गंदगी का दर्द क्या होता है, सफाई कर्मी का दर्द क्या होता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। दोपहर को 3 बजे उठते हैं जिसके यहाँ कर्मचारियों की बाढ़ नहीं समझ सकता है गरीब का दर्द क्या होता है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, इस नगर पालिका में चुनाव नगर पालिका का भी और साथ में एक जो चर्चा है वो उस पर बता दूँ, ये लड़ाई सीधी अमीर बनाम गरीब की, अमीर बनाम फकीर की, बिल्कुल वो लड़ाई है। हम अपने कार्यकर्ताओं को दलित जनता को दलित साधारण तरीके से जिस प्रकार से भी आप सबका प्यार और आप सबका इसने जीतने की कोशिश कर। तो आप जो है किस पार्टी से अपनी जो फाइट फाइट कहाँ लग रही है आपको, जब जनता जिसके साथ होती है फाइट होती नहीं, मैं तो ये मान रहा हूँ। जब हम हैं उनके बिल्कुल सौ, तो फिर हम ये मांग के चलते जनता पूर्ण रूप से हर तरीके से हमें अपना समर्थन इसने देगी, जाति धर्म सबसे दूर। नहीं, जैसा भी आपने बताया कि गरीब अमीर की लड़ाई है, तो गरीब अमीर की लड़ाई मतलब जो है क्या है, मतलब किसी से तो आप मान रहे, तभी तो आपने गरीब अमीर की लड़ाई। नहीं, अब ये तो आप बेहतर समझते हैं ना, ये बेहतर समझते हैं। और आप जानते हैं इस समय जो जिस प्रकार से चर्चाएं की जा रही हैं, जिस प्रकार से चर्चाएं की जा रही हैं उसमें जो बातें की जा रही हैं, मैंने उस बात का जवाब दिया, लड़ाई अमीर होना उधर। आपको जो है भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो आप जो है किन बातों को लेके और कौन से मुद्दे लेके जनता के बीच जाएंगे? अब मम्मी धीमे धीमे आपको सारी चीज़ें बताएंगी, अभी थोड़ा सा उन्हें थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र का उनका पहला अनुभव है, सभी चीज़ें बताएंगी और जो अपेक्षाएं फरुखाबाद की उन पे ही काम करेंगी, ये तय है बिल्कुल। क्योंकि माँ जानती है 3 बजे उठ के सफाई की दिक्कत क्या होती है, वो नहीं वो जानता दोपहर को 3 बजे उठता है। और माँ आज भी सुबह 4 बजे आप जाइए मेरे यहाँ, दरवाज़ा खुला मिलेगा, पानी डालते हुए मिलेंगी, झाड़ू लगाते मिलेंगी, तो झाड़ू लगाते मिलेगा, पानी डालते जाएगा, वो जानता है गंदगी का दर्द क्या होता है, सफाई कर्मी का दर्द क्या होता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। दोपहर को 3 बजे उठते हैं जिसके यहाँ कर्मचारियों की बाढ़ नहीं समझ सकता है गरीब का दर्द क्या होता है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, इस नगर पालिका में चुनाव नगर पालिका का भी और साथ में एक जो चर्चा है वो उस पर बता दूँ, ये लड़ाई सीधी अमीर बनाम गरीब की, अमीर बनाम फकीर की, बिल्कुल वो लड़ाई है। हम अपने कार्यकर्ताओं को दलित जनता को दलित साधारण तरीके से जिस प्रकार से भी आप सबका प्यार और आप सबका इसने जीतने की कोशिश कर। तो आप जो है किस पार्टी से अपनी जो फाइट मान रहे हैं? फाइट कहाँ लग रही है आपको, जब जनता जिसके साथ होती है फाइट होती नहीं, मैं तो ये मान रहा हूँ। जब हम हैं उनके बिल्कुल सौंपे, तो फिर हम ये मांग के चलते जनता पूर्ण रूप से हर तरीके से हमें अपना समर्थन इसने देगी, जाति धर्म सबसे दूर। नहीं, जैसा भी आपने बताया कि गरीब अमीर की लड़ाई है, तो गरीब अमीर की लड़ाई मतलब जो है क्या है, मतलब किसी से तो आप मान रहे, तभी तो आपने गरीब अमीर की लड़ाई। नहीं, अब ये तो आप बेहतर समझते हैं ना, ये बेहतर समझते हैं। और आप जानते हैं इस समय जो जिस प्रकार से चर्चाएं की जा रही हैं, जिस प्रकार चर्चाएं की जा रही हैं उसमें जो बातें की जा रही, मैंने उस बात का जवाब दिया, लड़ाई अमीर होना उनका।